प्रिय विद्यार्थियों, कंज्यूमर बिहेवियर एमकॉम फाइनल का जो पेपर है उसमें हम चर्चा कर रहे हैं विपणन की प्रकृति और क्षेत्र का। विपणन की प्रकृति और क्षेत्र में हम विपणन के विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में बात कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने अभी तक ये देखा है विपणन वस्तुओं और सेवाओं का वितरण करना है, विपणन उपयोगिताओं का सृजन करना है, विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है, विपणन आय का सृजन करता है और विपणन एक प्रणाली है, एक सिस्टम है। इसी में अगला दृष्टिकोण जो हम लेंगे वो है विपणन उपभोक्ताओं की संतुष्टि है। मार्केटिंग इज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। आधुनिक विपणन के जो विद्वान है वो विपणन उपभोक्ताओं की मांगों को उपभोक्ताओं की संतुष्टि को विपणन मानते हैं। इस विचारधाराओं के समर्थन में कई बड़े विद्वान हैं जैसे फिलिप कोटलर है, हैंसन है, मैकार्थी है। इस दृष्टिकोण के अनुसार उपभोक्ता की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को संतुष्ट करना ही मार्केटिंग है या विपणन है। वस्तुओं का उत्पादन उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुरूप ही किया जाता है। तो ये कंज्यूमर ओरिएंटेड दृष्टिकोण है। अगला जो दृष्टिकोण है वो है मार्केटिंग फंक्शनल। विपणन क्रियात्मक है। विपणन के इस दृष्टिकोण के द्वारा विपणन उन क्रियाकलापों का अध्ययन करता है जो उत्पादन केंद्रों से उपभोक्ता केंद्र तक वस्तुओं पहुँचाने से संबंधित होती है। एमजे पेंशन के अनुसार विपणन क्रियाओं को मुख्यतः वाणिज्यिक, भौतिक वितरण तथा आवश्यक क्रियाओं में विभाजित किया जा सकता है। अगला जो दृष्टिकोण है, क्षेत्र है, वो है विपणन कुछ विशिष्ट क्रियाएं संपादित करना है। मार्केटिंग इज परफॉर्मिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सम स्पेशल एक्टिविटी। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत कुछ विशिष्ट क्रियाओं के संपादन को ही विपणन कहा गया है, अर्थात विपणन के लिए कुछ क्रियाओं का संपादन किया जाना जरूरी है। बैकमैन और डेविडसन जो है वो उसके समर्थक हैं, उन्होंने कहा भी है विपणन उन सभी क्रियाओं का संपादन है जो बाजारों की इच्छाओं और आवश्यकताओं का पता लगाने, उत्पाद उपलब्धता का नियोजन करने, उत्पादों के स्वामित्व का हस्तांतरण करके उनका भौतिक वितरण करने एवं समस्त विपणन क्रिया की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक है। तो विशिष्ट क्रियाओं का संपादन ही विपणन है, ये दृष्टिकोण इस बात को मानता है। फिर है विपणन व्यावसायिक दर्शन है। मार्केटिंग इज ए बिजनेस फिलॉसफी। इस विचारधारा के, इस दृष्टिकोण के जो समर्थक है वो कहते हैं विपणन एक आधारभूत व्यावसायिक दर्शन है। विलियम स्टेंटन ने भी कहा है विपणन विचार एक दर्शन है, एक मनस्थिति है, एन एटीट्यूड है और व्यावसायिक चिंतन का एक तरीका है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि विपणन का क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। वस्तु के उत्पादन एवं विक्रय मात्र से ही विपणन के काम को पूरा नहीं माना जाता है, बल्कि उत्पादन से पहले और विक्रय के बाद की क्रियाएं भी विपणन के क्षेत्र में शामिल की जाती है। आज तो जन सामान्य को सस्ती और अच्छी किस्म की वस्तुएं प्रदान कर समाज के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की जिम्मेदारी विपणन की ही है। आज जो हम लाइफस्टाइल हम देखते हैं, जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोडक्ट हम लेते हैं और जिस तरह से हम रहते हैं, हमारा रहन सहन जो है उसका, उसके पीछे विपणन की बहुत बड़ी भूमिका है। जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में विपणन ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। जहाँ विपणन नहीं पहुँच पाया, जहाँ विपणन कमज़ोर है, वहाँ उनके लोगों का क्षेत्र जीवन स्तर अन्य स्थानों वाले लोगों के मुकाबले में कम है। तो
ये हो गया विपणन की प्रकृति और क्षेत्र। आज के लिए ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।